हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ अस्थमा के पेशेंट्स के लिए एक नया डिवाइस लेके आई हूँ, जिसको बोलते हैं सिंक्रोब्रीथ या ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर्स। आज मैं आपको बताऊंगी इनको कैसे यूज़ करते हैं। पहली बात तो हम पूछेंगे कि इनहेलर्स के अलावा स्पेसर्स भी आ गए, उसके अलावा नेबुलाइजर भी आ गए, तो एक नए डिवाइस की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनहेलर्स के साथ एक जो प्रॉब्लम होती है वो ये दिक्कत होती है कि जब हम उसको दबाएंगे कैनिस्टर को, उसी टाइम हमें लंबा सांस लेना होता है ताकि दवाई इफेक्टिवली हमारे लंग्स तक यानी कि फेफड़े तक पहुँच पाए। पर देखा गया है कि अस्थमा के पेशेंट्स में जिनमें अटैक हो रहा है उनके अंदर इतनी लंबी सांस लेने की हिम्मत ही नहीं बचती कि वो दवाई को इफेक्टिवली अपने फेफड़े तक खींच सकें। तो ज़्यादातर दवाई जो रहती है वो मुंह तक ही रह जाती है, लंग्स तक नहीं पहुंचती है। तो उस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए स्पेशल डिवाइस को बनाया गया, जैसे कि मैंने अपने चैनल पर पहले भी डिस्क्राइब किया है इनहेलर्स को कैसे इफेक्टिवली हम स्पेसर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू यूज़ डिवाइस, आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो हम दवाई हम कैनिस्टर से दबाते हैं वो दवाई स्पेसर के अंदर आ जाती है, जिसके थ्रू आप आराम आराम से ब्रीथ कर सकते हैं, उससे भी आपको लंबा सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार लोगों को स्पेसर्स नहीं मिलते हैं, या उनको लगता है कि इनहेलर के साथ एक स्पेसर हम कैरी करेंगे, उसका बॉक्स होता है, हमारे बैग में इतनी जगह नहीं होती है, तो हमें वो बल्की लगता है। तो आइए अब जानते हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम लोग एक ही साथ कैसे हटा सकते हैं। नाउ वी हैव न्यू डिवाइसेस जिनको हम कहते हैं सिंक्रोब्रीथ या ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर्स। इनके अंदर फ़ायदा ये है कि इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको शेक करके पहले डिवाइस को दबाना है और फिर लंबी तेज सांस खींचनी है। इसमें अगर आप हल्की सी भी सांस लेते हैं, मतलब कि हल्का सा भी इंस्पिरेटरी प्रेशर अच्छा होगा, तो भी दवाई डायरेक्टली लंग्स में चली जाएगी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये डिवाइस किस तरीके का होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये इनहेलर इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं सिंक्रोब्रीथ या ब्रेथ एक्चुएटेड डिवाइस। इसके आगे वाले फ्रंट पोर्शन में एक ट्रांसपेरेंट विंडो बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं डोज काउंटर। इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल डोजेस कितने हैं इस इनहेलर के अंदर वो लिखे हुए होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर दवाइयों के अंदर 120 डोजेस होते हैं एक पैक के अंदर, और जैसे जैसे आप दवाइयाँ यूज़ करते रहते हैं वैसे वैसे ये नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जब इसमें 10 डोजेस बचते हैं तो आप एक नया इनहेलर खरीद सकते हैं। नाउ दिस डिवाइस, अगर जैसे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ दबाने का चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज कंपार्टमेंट है। जब मैं इसकी कैप को खोलूंगी तो आपको एक क्लिक की साउंड सुनाई देगी, जिससे पता लगेगा कि दवाई ऊपर से इनहेलर के नीचे पार्ट में आ जाती है। जैसे कि ये जो साउंड थी, दैट मीन्स कि दवाई जो है ऊपर से नीचे आ गई, ठीक है। इसको शेक करने के बाद हमने कैप को खोलना है, अपनी सांस छोड़नी है मुंह के रास्ते, और फिर इस इनहेलर को मुंह में रख के सांस अंदर लेनी है। जब मैं सांस अंदर लूंगी तो आपको अगेन एक क्लिक की साउंड आएगी, दैट मीन्स कि दवाई मेरे मुंह में चली गई है, फेफड़े में चली जाएगी उससे। और उसके बाद मुझे सांस होल्ड करनी है, मतलब कि सांस रोकनी है अराउंड 8 to 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर नाक से छोड़नी है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे यूज़ करूँगी। ओके, तो पहले मैंने इनहेलर लिया, शेक कर दिया इसको अच्छे से, इसको खोला, क्लिक साउंड आई, सांस छोड़ी, जैसे कि आपने देखा मैंने इसको पहले शेक किया, उसके बाद इसका कैप ओपन किया, उसके बाद सांस छोड़ी मुंह में रख के। इसमें जैसे मैंने सांस ली तो आपको एक क्लिक की साउंड आई, दैट मीन्स दवाई मेरे मुंह के रास्ते फेफड़ों तो चली गई। उसके बाद मैंने मुंह बंद करके अपनी सांस को होल्ड किया 8 से 10 सेकेंड तक, और उसके बाद नाक से सांस को छोड़ दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत कम प्रेशर के अंदर मुझे बहुत लंबी तेज सांस नहीं खींचनी पड़ी, मैंने हल्की सी सांस ली, उतनी सांस के अंदर ही ये दवाई डायरेक्टली मेरे लंग्स तक पहुंच गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे हम बड़ी आसानी से कोई पेशेंट जिसको अस्थमा का अटैक एक्यूटली हुआ है, या कोई पेशेंट जो है बहुत बूढ़ा है, वो लंबी तेज सांस नहीं ले सकता है, उसको दबाने का झंझट और सांस लेने का झंझट नहीं समझ में आता है, कब दबाना है कब सांस लेनी है, वो सारी प्रॉब्लम एक सिंगल डिवाइस से ख़त्म हो जाती है। ये सिंक्रोब्रीथ आसानी से अवेलेबल है सारी मार्केट्स में, और आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके दवाई का डोज और दवाई कौन सी आपके लिए पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है वो डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे चैनल के वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आप ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक मैं आप सबसे अलविदा कहती हूँ, धन्यवाद।